हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। फ्रेंड्स, राइट्स की तरफ से यहां पे एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। राइट्स एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। इन्हीं की तरफ से नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, ताकि आपका समय वेस्ट न हो। यहाँ पे जो नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है राइट्स की तरफ से, इसमें यदि आपने बीटेक या बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ही आप एलिजिबल होने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए। और यदि आप एलिजिबल होने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा। और यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या होने वाला है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर, सारी बातें इस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। राइट्स की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जॉब होने वाला है, और ये एक फिक्स टर्म के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रहेगा। राइट्स की तरफ से यहाँ पे जो पोस्ट निकाली गई है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये पोस्ट निकाली गई है, और जो वैकेंसीज है यहाँ पे टोटल 11 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 3, एससी में 2 वैकेंसीज निकाली गई है। एज लिमिट के बारे में यदि बात करते हैं तो मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पे इनकी तरफ से रखा गया है, और कट ऑफ यानी एज को आपको कैलकुलेट यदि करना है तो आप 1/9/2022 के बेसिस पे अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है बीटेक बीएससी यदि आपने इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दो डिपार्टमेंट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है वो इलेक्ट्रिकल की होने वाली है, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी पोस्ट होगी। यहाँ पे आपके यदि आपने फ्रेशर्स हैं, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी तरफ से एक्सपीरियंस जीरो मांगा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे होगा। यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा इनकी तरफ से रिटन टेस्ट कराया जाएगा, और उसी के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यहाँ पे वेटेज देख सकते हैं, जो रिटन टेस्ट होगा उसका 80% यहाँ पे वेटेज दिया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा उसका 20% यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, और इसी दोनों के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो ये जॉब होने वाला है वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का होने वाला है, जो कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहेगा, और इसको मैक्सिमम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बेसिक पे सैलरी इन्होंने बताया है कि आपकी जो बेसिक पे होगी वो 22,000 होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी इंक्रीमेंट जो होगी वो बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 3% का इंक्रीमेंट इस पे मिल सकता है। जो अलाउंसेज है वो नॉन मेट्रो सिटीज में आपको 70% और मेट्रो सिटीज में 75% से 80% के बीच में मिलने वाला है। जो आपकी अलग यहाँ पे जो अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सीटीसी इनकी तरफ से निकल के आ रहा है, इन्होंने बताया 4.8 लाख पर एनम का यहाँ पे आपकी सीटीसी होने वाली है। इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो अप्लाई करने के लिए जो फी होने वाली है एग्जामिनेशन फी, यानी कि आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 600 रुपीज का एप्लीकेशन फी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वालों के लिए 300 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म का फी रखा गया है। किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको राइट्स के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अप्लाई किस तरीके से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको राइट्स के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई जब सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन करके रख लेना है। इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, और इसके साथ आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि जैसे ही आपको इनकी तरफ से कॉल आता है तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स
के साथ आपको यहाँ पे विजिट करना होगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि रिटर्न टेस्ट के सेंटर्स कहाँ होने वाले हैं, तो रिटर्न टेस्ट का जो सेंटर है 6 सिटीज में रखा गया है, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद या नागपुर, ये 6 सिटीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है गया है। और इसी 6 सिटीज में यहाँ पे आप इनका टेस्ट सेंटर्स होने वाला है और इंटरव्यू इसकी इनकी तरफ से बताया जाएगा इंटरव्यू कहाँ पे होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यदि आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे मेल करके यहाँ पे क्वेरी से पूछ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे दिया है रिटर्न टेस्ट का, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो यहाँ से आप लोग सिलेबस भी रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16/9/2022 से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट होने वाली है 10/10/2022, तो इस डेट से पहले आपको अप्लाई करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी नई नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।